सबसे पहले मेरे गणराज जी को स्नान कराओ, मेरे गणराज जी को स्नान कराओ। बोला पहले कहते तो मैं चलने आता, अब यहां कहां से लाऊं। ग्वालवान बोले भैया पहले कहते तो भर लाते, यहां कहां से लाए। भगवान ने कहा सब लोग आंख बंद करके ध्यान करो और जयकारा लगाओ, यहाँ गंगा चली आएगी। सबने आंख बंद करके ध्यान करके जयकारा लगाया, बोलिए रघुनाथ की जय हो, राज भगवान की। परमात्मा ने मन से गंगा का प्रागट किया जिसका नाम हुआ मानसी। और पूजा कहाँ करवाई, जतिपुरा पर सीधा सा पत्थर देख के वहां पूजा कराई। और जब भोग लगाने का समय आया तो पहली शर्त प्रारंभ हो रही है, तेरा देवता प्रतीक्षा करके भोग लगाए। तो सबने हाथ जोड़ के कहा कन्हैया तेरे देवता को बुलाओ। बोला मैं क्या बुलाऊ, आप लोग प्रार्थना करो। सबने प्रार्थना की, एक राय भगवान साक्षात रूप में पधारिए और हमारे हाथ से प्रसादी पाइए। सबने जैसे ही आग बंद करके गणराज जी का ध्यान किया और जयकारा लगाया, बोलिए गणराज भगवान की जय हो। तो क्या देखा, गणराज भगवान के ऊपर एक विशाल काय सांवले रंग का व्यक्ति पीतांबर पहन करके मोर मुकुट बांध करके लंबी लंबी तक भरता हुआ चला। किसी ने चार पुआ, किसी ने चार पकौड़ी, किसी ने दो पुड़ी, किसी ने एक कटोरी खीर। भगवान कृष्ण ने कहा चार पुआ पुड़ी और कटोरी खीर से मेरे देवता का भोगने लगेगा। तब बोला ढकोला तो पुआ चलन दो और बाल्टी से खीर चलन दो। 84 कोस के ब्रजवासी जितनो सामान बना के लाए, गिरराखी भगवान सबको राधे राधे चट कर गए। हाँ भैया तेरा देवता तो जन्म जन्म को भूखो मरे। वो इंद्र बढ़िया पुआ तोड़ के आग पे भोग लगा, इंद्र प्रसन्न और सब घर वाले चकाचक माल पुआ खाओ, सब घर वाले प्रसन्न। ये तो समय खा रहे हो और अब की बरस कुछ गए हो प्यारे, अगली साल जाकर पूजे हो, ऐसे देवता कौन पूजे हो। भगवान कृष्ण ने कहा एक बार सर आंख बंद करके जयकारा लगा दो। सबने जयकारा लगाया, बोले गणराज भगवान की जय हो। जैसे ही आंख खोली तो जो एक ढकोला लाया ना पूरा माने दो ढकोला, एक बाल्टी खीर लाया तो दो बाल्टी खीर। बार बार बोले ऐसे डबल डबल दे दे तो रोज पूजा करना, कोई घाटे का सौदा नहीं। ब्रजवासी